अगर सेकंड राउंड में शॉर्टफॉल रहता है तो थर्ड राउंड भी कंफर्म होगा। खुद सोच रहे जो मेरे पास डाटा पड़ा है ना, 320 सीट जो है वैकेंट रही है गवर्नमेंट में, मीन्स आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी सीट जो है वैकेंट रही है सिर्फ गवर्नमेंट में। अगर प्राइवेट की बात करें तो क्या ही कहें, मतलब इतनी सीट्स वैकेंट रही है, मतलब मैं कह नहीं सकता आपको कितनी सीट्स वैकेंट रही है, सारा कुछ डाटा आपके साथ शेयर होगा। और अगर सिक्किम सोरा की बात करें, वहाँ पर भी सीट जो है वैकेंट रही है, 52 गवर्नमेंट सीट इन सिक्किम सोरा, क्या ही कहें यार। मतलब अगर पिछले साल की तरह इस साल भी होगा ना, मीनस जो 25 से हैं 25 पॉइंट जिनके हैं उनके बिलो जिनके भी पॉइंट्स हैं तो उनको भी कॉलेज मिलने के बहुत से चांसेस हैं। तो मैंने ये जो डाटा है पिछले साल का डाटा कलेक्ट किया है तो सारा कुछ आपके साथ शेयर होगा। तो एटलीस्ट 1500 to 1600 सीट जो है वैकेंट रही है पिछले साल सेकंड राउंड के लिए। अगर इस साल भी ऐसा होगा तो कट ऑफ 20% डिक्रीज जो है डिक्रीज जरूर होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नासिर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनानी ऑफिशियल टूम। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि किस लेकर जो 28 तारीख तक जो है एडमिशन प्रोसेस थी फर्स्ट राउंड की, तो वो कंप्लीट हो गई है, तो कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो अब इंस्टीट्यूट इंतज़ार कर रहे हैं कि जो सीट मैट्रिक्स है वो ज़रूरी है क्योंकि सेकंड राउंड होने वाला है, तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट तभी प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं जब वो देखेंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, उसी हिसाब से वो जो है प्रेफरेंस देंगे सेकंड राउंड के लिए। तो जिनके पॉइंट्स बिलो है तो वो उनको क्या करना चाहिए, और जिनको कॉलेज नहीं मिला है तो आप जाना चाहते हैं सेकंड राउंड में, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जिनके पॉइंट्स मीनस 30 थे तो 30 बिलो थे तो उनको क्या मिलेगा, कोई चांस है इस सेकंड राउंड में, क्या थर्ड राउंड भी होगा, तो इस रिलेटेड भी बात करने वाले हैं। तो पिछले साल का डाटा मेरे पास पड़ा है तो वो आप उनके साथ शेयर होगा। तो अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप इस वीडियो को सपोर्ट करो, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा और आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाता रहूँगा। और आप अगर बात करें कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो रिगार्डिंग किसी भी कोर्स, तो मुझे DM करो इंस्टाग्राम पे nasirafshan21। तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुका हूँ मैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि 85% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और बढ़ते हैं वीडियो में। या जिन स्टूडेंट्स के पॉइंट अच्छे थे उनको कॉलेज नहीं मिला है तो आप जाना चाहते हैं सेकंड राउंड में, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, तो सारा कुछ शेयर होगा आप लोग के साथ। अगर इसी तरह इस साल भी रहा तो मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है बहुत कम होने वाला है, क्योंकि पिछले साल की अगर आप देखोगे ना, मतलब जितनी सीट वैकेंट रही है, मतलब इस साल ना मतलब बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। मतलब अगर आपको पता ही होगा कि मेरे कॉलेज में जहाँ मैंने एडमिशन किया वहाँ 29 सीट्स जो है वैकेंट रही है, तो इसी तरह बहुत सारे कॉलेज में भी सीट्स वैकेंट रही हैं, तो मैंने बहुत सारे कॉलेज वालों को फ़ोन भी किया है। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो 870 सीट जो है BSc नर्सिंग के लिए पिछले साल वैकेंट रही थी, समझे, 870 सीट्स फॉर BSc नर्सिंग इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, मीनस 320 इन गवर्नमेंट कॉलेज, 550 इन प्राइवेट कॉलेज, टोटल होता है ये 870 सीट जो है वैकेंट रही थी खाली BSc नर्सिंग के लिए। अब अगर पैरामेडिकल कोर्स की बात करें तो पैरामेडिकल कोर्सेज की जो गवर्नमेंट सीट्स रही थी वो 270 सीट जो है वैकेंट रही थी, 270 सीट्स वैकेंट रही थी गवर्नमेंट कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स। और अब अगर बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स वैकेंट रही थी पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो वो रही थी 423। तो अगर आप टोटल करोगे तो अराउंड 700 सीट जो है वैकेंट रही थी इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज। तो खुद अंदाजा लगा सकते हो इस साल भी ज़्यादा नहीं होगा, मतलब इसी अराउंड होगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब अगर बात करें सिक्किम सोरा टेक्नोलॉजी कोर्सेज की अगर बात करें तो 32 सीट्स रही थी वैकेंट इन फर्स्ट राउंड में, तो 32 सीट्स सिक्किम सोरा में भी रहे थे टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए वैकेंट तो फर्स्ट राउंड की में, तो फर्स्ट राउंड में मीनस आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर टोटल करोगे आप तो अराउंड 1600 सीट जो है वैकेंट रही थे पिछले साल इन फर्स्ट राउंड में, तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। साल भी आपको पता ही होगा कि मुझे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मैसेज की कि हम लोगों ने एडमिशन नहीं किया क्योंकि फीस ज़्यादा था, तो इस रीज़न से भी जो है कट ऑफ कम होने वाला है। किसी बंदे की पॉइंट्स कम है तो वो चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जम्मू जब सेकंड राउंड होगा तो आप जम्मू साइड के जो कॉलेज हैं उनकी प्रेफरेंस रखना है, तो आपको जो है वहाँ के कॉलेज मिल सकता है क्योंकि वहाँ पे जो है कट ऑफ कम ही रहता है उन कॉलेजेस का। तो जम्मू साइड से ज़्यादा रोल जो है इस BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, BSc टेक्नोलॉजी जो XCET हुआ था, तो इसमें ज़्यादातर आप देखोगे तो कश्मीर से ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो डोडा रियासी है अखनूर है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको मतलब 50% जो है चांसेस है। तो अगर सेकंड राउंड में शॉर्टफॉल रहता है तो थर्ड राउंड भी कंफर्म होगा। फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी जो है बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहे हैं गवर्नमेंट में,
तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो कुछ दिनों में सीट मैट्रिक्स आने वाला है, चाहे इन 2-3 दिनों में आ जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो जब आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझे DM करो, नासिर अफशल 21।